नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त दीप्ति और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इग्नाइट। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान के मियां चनू एरिया का है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल क्रॉस कर गई थी। और ये जो डैमेजेस आप देख रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल के गिरने से हुई है। बस इंडिया को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल मुद्दा मिल गया और पाकिस्तान अपने इस काम में लग गया। इस इंसिडेंट को होते हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, मगर अफसोस कोई भी देश पाकिस्तान के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बेइज्जती है। वहाँ इंडिया के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, मगर पाने के लिए बहुत कुछ था। चलिए इस बात का डिटेल्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया की गलती से जो ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर हुआ था, इंडिया ने उस बात को मान ली थी और भारत की तरफ से कहा गया था कि एक टेक्निकल एरर के कारण हुआ है और हमें इस बात का खेद है। खुशी की बात यह है कि इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि इस इंसिडेंट के ऊपर एक हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। यानी भारत सरकार ने इमीडिएटली अपनी गलती मान ली थी, मगर पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। इसीलिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के सामने पूरे जोर शोर से भारत की शिकायत करेंगे। इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना शामिल है, उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है। इस इंसिडेंट को होते हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, मगर अफसोस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के फेवर में नहीं आया है। बस एक छोटी स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आई है, वो भी मजबूरन। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन नेट प्राइस जब एक न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे, जब एक न्यूज रिपोर्टर भारत द्वारा गलती से जो मिसाइल मिसफायर हो गया था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि ये बस एक एक्सीडेंट है। और ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको जाननी है तब आपको इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्टेक्ट करनी चाहिए। अमेरिका की स्टेटमेंट बहुत ही शॉर्ट और सिंपल थी कि ये बस एक एक्सीडेंट था, और यूएस ने इंडिया की एक्सीडेंट वाली बात को एंडोर्स करते हुए पाकिस्तान के प्रोपोगंडा को खारिज कर दिया है। अमेरिका इस इंसिडेंट को इंडिया पाकिस्तान के बायलेटरल इशू के हिसाब से कंसीडर कर रहा है। आने वाले दिनों में कोई दूसरा देश अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, खासकर चाइना, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट हमेशा अपने मीडिया ग्लोबल टाइम्स के थ्रू अपना व्यू रखता है। ये वो ग्लोबल टाइम्स है जो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हुए आर्टिकल पब्लिश करता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स भी अभी तक इस इंसिडेंट को लेकर कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है। वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से इस 5G के मिसाइल की फ्लाइंग पाथ और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मांगी गई है, और उसके साथ साथ ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने की डिमांड भी रखती है। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इस डिमांड को अभी तक कंसीडर ही नहीं किया है। आपको क्या लगता है, ब्रह्मोस मिसाइल की मिसफायर होना क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट है, या फिर पाकिस्तानियों के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करके पाकिस्तानियों की रिएक्शन टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, कैपेबिलिटी ऑफ रडार्स और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की काबिलियत देख ली है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।